नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 में हिंदी कोर्स ए व्याकरण शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के तीन भाग हैं। पहला था उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास। उपसर्ग तो हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय क्या है। प्रत्यय नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिया जाते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता मानवता। अब देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला क्या है? कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय क्या है। देखिए कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, जहाँ लिख क्या है? हमारी क्रिया है और आवट हमारा क्या है? प्रत्यय। दोनों को जोड़ के क्या बना? लिखावट। पढ़ जमा आई तो बना पढ़ाई। अब देखिए बेटे कृतियों के प्रकार कितने होते हैं, कृत प्रत्ययों के प्रकार। नंबर एक कृतवाच्य, नंबर दो कर्मवाच्य, नंबर तीन करण वाचक, नंबर चार भाववाचक, नंबर पांच विशेषण वाचक। पहले कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय है। कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय है, जैसे पठ लिख चाल। इनके साथ यदि हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है पाठक लेखक चालक। पी घूम भूल, इसे हम यदि अक्कड़ प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है प्यक्कड़ घुमक्कड़ भुलक्कड़। चाल और तैर के साथ यदि हम आक प्रत्यय लगाएं तो बना चलाक तैराक। यदि एरा प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनेगा? लुटेरा बसेरा। और लड़ और पढ़ गए आकू प्रत्यय लगाते हैं तो लड़ाकू और पढ़ाकू। आगे देखिए कर्म वाच्य से बनने वाले कृदंत प्रत्यय। देखिए मूल शब्द पहले विच खेल घिन, इनमें यदि ओना प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन गया बिछोना खिलौना गिनोना। और लिख गा और पढ़ के साथ यदि नाम प्रत्यय लगाते हैं तो हुआ लिखना गाना पढ़ना। और ओढ़ सूंग चट सा यदि हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो बना ओढ़नी चटनी सूंघनी। आगे देखिए करण वाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे झाड़ ढक वेल के साथ यदि हम अन प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनते हैं झाड़न ढक्कन वेलन। और झूल ढक बेल के साथ ना प्रत्यय लगाते हैं तो बन गया झूलना ढकना बेलना। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, चल मन मिल के साथ यदि अन प्रत्यय लगाते हैं तो बन गया चलन मनन मिलन। लड़ा चढ़ा कमा के साथ यदि आई प्रत्यय लगाते हैं तो बना लड़ाई चढ़ाई कमाई। भूल चल पहन के साथ आवा प्रत्यय लगाते हैं तो भुलावा चलावा पहनावा। अब देखिए बच्चों विशेषण बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कृपा दया झगड़ा, यदि इसमें आलू प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनते हैं कृपालु दयालु झगड़ालु। अब पठ निंद गोप के साथ अनीय प्रत्यय लगाते हैं तो पठनीय निंदनीय गोपनीय। और अर्ण सर मर्ग ईल प्रत्यय लगाते हैं
तो अड़ियल, सड़ियल और मरियल। आप देखिए ये प्रत्यय का दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? वे संज्ञा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नेह शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भूख जमा आ भूखा। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़िए। हिंदी का तद्धित प्रत्यय क्या है? उसमें कृत प्रत्यय, यानी कि मूल शब्द है पूजा, उआ, भीख, इसमें हमने आरी लगाया तो पुजारी, जुआरी या भिखारी हो जाता है। पत्र, कला, कहानी के साथ यदि हम कार प्रत्यय लगाते हैं तो पत्रकार, कलाकार, कहानीकार। चाय, सब्जी, कार के साथ वाला प्रत्यय लगता है तो चाय वाला, सब्जी वाला, कार वाला। लोहा या सोना के साथ आर प्रत्यय लगाते हैं तो लोहार और सोनार बनता है। आप देखिए भाववाच्य संज्ञा शब्द से बनने वाले तद्धित प्रत्यय। बूढ़ा, मोटा, पूजा के साथ आपा प्रत्यय लगाते हैं तो बना बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा। अगर मीठा, चतुर, सच्चाई के साथ आई प्रत्यय लगाते हैं तो मिठाई, चतुराई, सच्चाई। और दास, लघु, मानव है, ता प्रत्यय लगाते हैं, दासता, लघुता, मानवता। चिकना, कड़वा और गर्म के साथ आहट प्रत्यय लगाते हैं तो बना शब्द चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट। आगे स्वंदवाच्य संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे बंगाल, गुजरात, पंजाब, इधर ई प्रत्यय लगा दीजिए तो बना है बंगाली, गुजराती, पंजाबी। ऐसे चाचा, मामा, फूफा के साथ एरा प्रत्यय लगाते हैं तो बन गया है चचेरा, मवेरा, फुफेरा। धर्म, अर्थ, नीति के साथ एक प्रत्यय लगाते हैं तो धार्मिक, आर्थिक, नैतिक। बाप, मन के साथ ओती लगाते हैं, बपोती और मनोती। आगे है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे घन, जंगल, लोभ, ई में बना है धनी, जंगली, लोभी। ऐसे रस, चमक, गर्भ में इला प्रत्यय लगाते हैं तो रसीला, चमकीला, गर्भीला। और ईश्वर, राष्ट्र, भारत शब्दों का ये प्रत्यय जोड़ के तो बना है ईश्वरीय, राष्ट्रीय और भारतीय। आगे बच्चों देखो आपको कार्यपत्र क्या करना है, प्रत्यय क्या है, हिंदी भाषा में कितने प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के दो उदाहरण दीजिए, तद्धित प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्ययों से बनने शब्दों के दो उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, भुलक्कड़, लुटेरा, ओढ़नी, गरीबी, लेखक, लड़ाकू, चालक, भारतीय, गर्भीला आदि। निम्नलिखित प्रत्ययों से बने शब्दों के दो दो नए शब्द आपको बनाने हैं। धन्यवाद।